ये एक समझो देरियाना मांग थी कि ये जो एनएचपीसी का पानी जो वुलर में जा रहा है, इसको अगर लिफ्ट किया जाए हमारी ऋषिकूल में, क्योंकि वहाँ से 20 गांव, लगभग 20 से ज़्यादा गांव है जिनका शाली बगीचे बाग जो है, या जानवर चरंदे परिंदे सब इसमें जो है सहारा लेते, क्योंकि आजकल जो है खुशहाली का सीजन है, बारिश काफ़ी देर से नहीं पड़ रही है। तो पिछले लगभग 2022 में एनएचपीसी ने 2 पंप प्रोवाइड किए थे कि इमरजेंसी में आप इसको यहाँ यहाँ लगाइए, ताकि जो है आगे जो गाँव जो है पानी का उनको शॉर्टेज नहीं रहेगी। और साथ साथ जो है नबार्ड का एक प्रोजेक्ट भी सेंक्शन हुआ है 7.5 करोड़ का, जिससे काम चल रहा है लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन 2022 से और टिल डेट अभी तक जो है पीएचई को इंस्टॉल करने थे पंप, पीएचई फेल हुआ था 2022 से आज तक। कुछ इनको टेक्निकल इशू आ रहा था, लेकिन पिछले बार हम डीसी साहब से मिले, एग्जाम साहब से भी मिले, तो डीसी साहब ने बिल्कुल फुल कॉपरेट किया और डीसी साहब ने ये इत्मीनान दिया कि हम 2 दिन में ये पंप जो है हंगामी सूरत हाल में लगाएंगे। और तब 2 दिन से काम इस पे चल रहा है। अगर ये कहें कि कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कि क्योंकि ये एक ऑफ रूट पे था, रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी, और मोटर एक हैवी वेट का था, तो उसको लाने ले जाने का ये सारा जो चीज़ है ये सब देखने हैं डिपार्टमेंट को। लेकिन होपफुली हम ये आज उम्मीद रखते हैं कि आज ये फाइनली ये मोटर जो है लग जाएंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। डीसी साहब ने इसमें काफ़ी इंटरफेयर किया और एनएचपीसी के साथ जो है मसला उठाया, और उन्होंने आज ये हमें अलाउ किया, यहाँ से ये दीवार तोड़ी हमने एनएचपीसी के इजाज़त से, जेसीबी से इसको हमने तोड़ा, तो आज लगभग लगभग स्पॉट पे जो है रास्ता बन गया। अब मोटर्स का जो है वेट कर रहे हैं हम, देखते हैं शाम तक इंशाल्लाह ये हमारा जो है देरियाने मांग जो है ये फुलफिल हो, ताकि इमरजेंसी में जो हमारा ऋषिकूल का पानी है ये बहाल हो जाएगा। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ की लोगों की बहुत लंबी बड़ी कतार है, पिछले 3 दिनों से ये बेचारे यहीं बैठे हैं। इसमें आप देख भी सकते हैं कितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, भूखे प्यासे सुबह निकलते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। हमने 2 साल पहले की बात है, हमने CSR में ये 2 पंप्स लाए थे, लेकिन इसके बाद क्या हो गया था, हमने प्रोक्योर भी कर लिए थे। उसके बाद प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका था। अब उसके बाद अल्लाह की कुदरत रंग लाई तो बारिशें भी हो गई, तो हमें उस चीज़ का कोई ये ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद आज इस साल में आप देख ही रहे हैं कितनी खुशकसाली है, हमें फिर से एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हम डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा के पास गए, लेकिन उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया, कॉपरेट किया, और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि 2 दिन में, दो बिल्कुल 2 दिन में ये लग जाएगा, इंस्टॉल हो जाएंगे। इसमें जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं हमने कल से की हैं सब, आज आप लोग देख रहे हैं हमारे लोग कितने खुश हैं, आप बखूबी भी जानते भी होंगे। तो इंशाल्लाह अभी हम इंस्टॉल करवाने की कोशिश करेंगे, और जितनी भी परेशानियाँ हैं लोगों को हम इजाला करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।